नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलो। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो सनी साइड ट्रेवल का है और ये पाकिस्तानी हैं और आजकल इंडिया में हैं और बहुत ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आई इसको वीडियो को रिएक्ट करने के लिए। लोगों ने भर दिए मेरे इनबॉक्स और कमेंट बॉक्स और जहाँ भी वो इनके लिंक से। तो चलिए देखते हैं भाई कि आज ये दिल्ली में थे, आज नहीं मतलब दिल्ली में रहे थे जब का उनका वीडियो है, और वो पुरानी दिल्ली में गए थे घूमने। पुरानी दिल्ली जो वो मुगलों वाली टाइप की दिल्ली बताई जाती है, जो पुरानी दिल्ली हम कहते हैं कि वो मुगलों का पूरा हब था, वो लाल किला वहीं पे है, जामा मस्जिद वहीं पे है, सब कुछ वहीं पे। तो वो पुरानी दिल्ली है और पुरानी दिल्ली हम भी जाते हैं घूमने फिरने, खाने पीने बढ़िया लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो वहाँ पर ये गए हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या उन्होंने महसूस किया और क्या पाया इन्होंने। पहुँच गया था दिल्ली, आज का जो प्लान है वो यही है, दिल्ली देखेंगे। इसमें मैंने ड्रोन शॉट्स भी देखे, तो मुझे लगता है कि शायद इन्होंने पहले से जाके परमिशन वगैरह ली होगी कि भाई हमें ड्रोन उड़ाने हैं, ड्रोन के शॉट्स लेने हैं। तो क्योंकि कई बार परमिशन नहीं मिलती है, विदेशियों को तो खासकर नहीं मिलती है, लेकिन हो सकता है इन्होंने परमिशन ली हो और परमिशन के साथ ही इन्होंने शूट किया हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इलाके भी, लाल किला इसके आसपास ये बड़े सेंसिटिव इलाके भी हैं, तो इन्होंने शूट किया है, तो हो सकता है परमिशन ले के शूट किया हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसे तो आप कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमने जाना है पराठे वाली गली, यहाँ पे ना नाश्ता के लिए खास जगह है पराठे वाली गली। यहाँ से अच्छी निहारी कहाँ से मिलेगी? नली वाली निहारी। हमें लगता है मुझे ना गलती हो रही है, एक तो जामिया मस्जिद यहाँ पे लोकेशन है, वहाँ के खाने बताए गए थे, मुझे रिकमेंड किए गए थे वहाँ से खाना खाना, मुझे लगता है वहाँ पे थी निहारी। और ये क्योंकि वैसे गली का नाम भी पराठों वाली गली है, तो जाके पराठे मशहूर होने चाहिए। पराठे के साथ ये पता नहीं क्या कुछ है, ये तो चटनी है, आलू, मीठी चटनी लग रही है, साथ बनाना और ये कुछ सैलड है। अच्छा मैंने ना थोड़ा सा मिक्स कर दिया था, इस इलाके में आपको नली वली निहारी मिलती नहीं है, वो जामिया मस्जिद है ना उसके पास है खाना, वहाँ से आपको मिलती है। यहाँ के एक्चुअली पराठे मशहूर हैं, पराठे साइज में वैसे छोटे छोटे हैं, 100 रुपये का एक है, लेकिन हमने सिर्फ दो ही मंगवाए हैं छोटे से, क्योंकि हमारा प्लान है ज़रा चीज़ ट्राई करने का, तो सिर्फ ट्राई करने के लिए हमने कहा चलो एक एक पराठा मंगाते हैं। एक तो मेरे ख्याल दाल वाला है और एक मिक्स है, उसके अंदर पता नहीं क्या कुछ डाल, मटर, गाजरे, पता नहीं क्या कुछ। अच्छा अब यहाँ से निकल रहे हैं इस पराठे वाली गली से, भूख तो भी थी थोड़ी सी, लेकिन बाद में थोड़ी देर कुछ और भी खाएंगे। अब जाते हैं रेड फोर्ट, शाही किला जो दिल्ली का। ये सामने है जी रेड फोर्ट, लेकिन उससे पहले ना 5G यहाँ से ले लें, मेरे जो इंटरनेट है ना वो 4G है, थोड़ा स्लो है। फोन बंद क्यों है? 15 साल पहले जो उग्रवादी ने हमला किया था ना उसके वास्ते चेकिंग चलती है, 7-8 फौजी मारे गए थे जब से। अच्छा अभी रेड फोर्ट पहुँचे हैं और रेड फोर्ट आज बंद है, मतलब साल में एक दफ़ा यहाँ पे क्लियरेंस चलती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस, मतलब यहाँ पे 15 साल पहले बता रहे थे कोई हमला हुआ था, तो उसके बाद हर साल इसको सिक्योरिटी क्लियरेंस करते हैं, तो आज ही वो दिन होना था जिस दिन हम यहाँ पे हैं रेड फोर्ट देखने के लिए। अच्छा दिल्ली में ना हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह भी है, पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि दरगाह होती क्या है, दूसरा ये मैं हमेशा क्यूरियस था कि जहाँ पे इस तरह के जो मज़ार बने हुए हैं, अब ये म्यूज़िक क्यों चलाते हैं। निज़ामुद्दीन ये क्या चल रहा है? ये भाई भाई देखते हैं, देखे तो सही, तो सर एक दफा देख तो लो। अच्छा
तो मना है। और ऐसे मिसगाइड कर रहे हैं ना कि यहाँ जूते लेके नहीं आ सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जिद पकड़ लेते हैं, जिद पकड़ लेते हैं ना, वैसे भी गलत बात है। यहाँ तो ये सड़क है, यहाँ पे क्यों नहीं जा सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सवाल क्या है। दरगाह का मतलब होता है श्राइन, टोम, या उर्दू में मजार कह लें। कितने का बताया? 30 का नहीं है मेरे। ये पानी है, ये किस ये क्या चीज है? बाबा का तालाब है। और दिल्ली में मिलती है आपको हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, जो कि 14वीं सदी में एस्टेब्लिश की गई थी। और जब आप इस एरिया में पहुंचते हैं तो आपको बहुत से रेस्टोरेंट, बहुत सी दुकानें मिलती हैं, और प्रॉब्ली लोग यहां से खाना खरीद के गरीबों में तकसीम भी करते होंगे। और उसके अलावा यहां पे बहुत सी दुकानें आपको फूलों की, चादरों की, या अगर सर पे आपने रुमाल वगैरह बांधना है तो सारा कुछ आपको यहां से मिल जाता है। जय, जो सामने जगह है ना, ये एक्चुअली इस कमरे के अंदर है हज़रत निज़ामुद्दीन साहब की कब्र। यहाँ पे भी लोग आए हुए हैं बैठ के, यहाँ पे दुआएं पढ़ रहे हैं, सूरत यासीन पढ़ रहे हैं, ज़्यादा लोग यहाँ पे सूरत यासीन की तिलावत कर रहे हैं। और अगर आप इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर डेफिनेटली आप कब्र पे दुआ कर सकते हैं। बाकी लोग चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, फूल वगैरह चढ़ा रहे हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में ना तकरीबन 70 के करीब कब्रें हैं। इसमें ज़ियाउद्दीन बरानी, शाहजहाँ की बेटी और आमिर खुसराव की कब्र भी इसी कॉम्प्लेक्स में है। आमिर खुसराव एक इंडियन सिंगर था जो कि सूफियाना कलाम गाया करता था। मोहम्मद रिजवान, दिल्ली से यहाँ? नहीं नहीं, हम नागर मध्य प्रदेश। अच्छा, वो कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 650 किलोमीटर। वहाँ से दरगाह के लिए? हाँ। आपका भाई क्या नाम है? फैजान। आप भी साथ ही हैं? यूपी से हूँ। आप यूपी से हैं? अच्छा अच्छा। यार वैसे एक बात बताया, यहाँ पे इंडिया में, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान से हूँ, जो मुसलमान कम्युनिटी है हमारी, उनको कोई मसले तो नहीं है खास दरपेश? अच्छा, मुझे लग ही रहा था कि ये ओल्ड दिल्ली भी गए हैं, ये अगर हज़रत निज़ामुद्दीन जाता, मुझे ये आ रहा था अंदर से कि ये सवाल आने वाला है, यहाँ के इंडियन मुस्लिम से ये पूछने वाले हैं। और पूछना बनता भी है, जाहिर सी बात है कि जो शको सुबह होता है उसे दूर कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है। और इससे बेहतर क्या जगह होगी कि आप ग्राउंड पे हो, आपके सामने इंडियन मुस्लिम्स हैं और उन्हीं से सवाल पूछ लो, क्योंकि पूरा मुस्लिमों का इलाका है तो कोई डर भय वाली चीज़ भी ऐसी नहीं है, तो आप पूछ सकते हो। और बाकी जब एक बार शूट करके निकल गए कुछ, तो कोई पूछता नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये सवाल आने वाला है, और देखिए आ गया ये सवाल। यहाँ का जो निज़ाम है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। अच्छा। ऐसी कोई ज़्यादातर खराबी देखने को नहीं मिलती है, बस कुछ मतलब परेशानी का सबब बन जाता है बस, और बाकी ज़्यादा नहीं। हाँ, क्योंकि वहाँ ना न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत हालात ख़राब है मुसलमान के। नहीं नहीं नहीं, माशाल्लाह आप देखिए। मैं भाई, मैं मुझे हफ्ता हो गया, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, तो मैंने कहा वो जो रियलिटी है ना वो डेफिनेटली बतानी चाहिए लोगों को। हाँ नहीं नहीं, ऐसा हिंदुस्तान बहुत ही अच्छा, मतलब आप किसी के सुनने में ना आए, अगर आपको मतलब ऐसा कोई बात आपके जहन में आती है उसको खुद आके यहाँ देखिए, पर्सनली आपको खुद पता चला होगा कि यहाँ पे। हाँ, मैंने ये देखा है कि बेशक मुसलमान है या हिंदू है, जो भी है ना, सेम राइट्स हैं। हाँ, थोड़ा कोई प्रेशर नहीं है कि यार तुम मुसलमान हो, तुम ये करो और ये ना करो। हाँ, हाँ, मेरा मानना तो ये है, मैं सही बताऊँ, बिल्कुल खुल के अगर मैं बताऊँ कि अगर हम में कमी है तो फिर उसमें दुनिया में कमी अपन निकाल लेंगे। अगर हम में कमी है, अगर हम में कमी नहीं है, हम एजुकेटेड हैं, तो फिर कमी कहीं नहीं निकलेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कितनी अच्छी बात कही इन्होंने कि पहले हम अपने आप को देखें, अगर हम में कमी है ना तो हम दूसरी हर चीज़ में कमी निकाल लेंगे, और अगर हम में ही कमी नहीं है तो हमें और कहीं कमी दिखेगी नहीं। अच्छी बात है ये। इधर क्या अब चलने लगा? ये यहाँ पे कुछ खाना। हाँ हाँ, शायद लंगर चल रहा है। लंगर चल रहा है, यूट्यूब में डालो क्या? यूट्यूब पे तो उसी तो बना रहा हूँ। हाँ नहीं, लंगर ठीक है। ये मेरा ख्याल लोग यहाँ चढ़ाते होंगे ना, यहाँ देखे वगैरह। ओए हो, खाना अच्छा लग रहा है वैसे, तो मैं अभी खा के आया हूँ। चले भैया, इन्जॉय करें आप, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, फिर होगी इंशाल्लाह मुलाकात। अच्छा, मैनेजमेंट के साथ साथ यहाँ पे लोग आपको थोड़ा मिसगाइड भी करते हैं, जो लोग यहाँ पे साइडों पे बैठ के फूल वगैरह बेच रहे हैं ना, या बाकी चीज़ें बेच रहे हैं, आपको मिसगाइड करते हैं कि भाई टोपी पहन के नहीं जाना, या रुमाल लिए बगैर नहीं जाना, या स्पेसिफिकली जो हमारे साथ हुआ है कि हम जा रहे थे तो लोगों ने शाउटिंग शुरू कर दी कि आप शूज़ ले कहाँ जा रहे हो। उनका पॉइंट ये है कि अपने शूज़ उतारो, हमारे पास रखो, और हमसे फूल खरीदो, और जो बाकी सामान खरीदना है आपने अंदर के लिए वो हमसे खरीदो और फिर अंदर जाओ। हालांकि हम रोड के ऊपर खड़े थे, वहाँ पर शूज़ के साथ कोई इशू नहीं था, लेकिन एक बंदा नहीं, 10-20 बंदे शाउट कर रहे थे हम पे कि शूज़ लेके कहाँ जा रहे हो। थोड़ी देर मैं भी और मेरा साथ जो लड़का है
हिंदू लड़का है, वो भी थोड़ा घबरा गया कि शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो इस तरह ये पर्सनल अपनी सेल करने के लिए भी लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। बेसिकली यही चीज़ें, ये चीज़ें मैंने फेस की थी अजमेर शरीफ में भी। एक बार क्या था, मैं बहुत पहले, तो वहाँ भी ये चीज़ मैंने फेस की थी। और ये लेकर बाकायदा लड़ने लगे लोग। मैंने कहा भाई जहाँ तक एंट्री होगी वहाँ तक तो मैं जूते पहन के जाऊँगा। जहाँ पर लिखा होगा कि यहाँ के आगे आप जूते पहन के नहीं जा सकते, वहाँ पर जूते उतार देंगे हम अपने या नहीं जाएंगे अंदर, लेकिन सड़क पर तो हम जा सकते हैं ना। मैंने कहा, मैंने उनकी दुकान के नीचे उनके जूते चप्पल रखे हुए थे, मैंने काफ़ी आगे तक गया। मैंने कहा कि आप क्या, आप खाली पैर आए हो क्या वहाँ से? बोले कि नहीं नहीं हमारे जूते चप्पल तो नीचे रखे। मैंने कहा फिर तो हमें क्यों मना कर रहे हो? तो फिर वो भाई साहब चुप हो गए थे। तो हम वहाँ तक गए थे और जहाँ एंट्री पॉइंट है वहाँ पर हमने जूते अपने खोल के रखे और फिर गए थे वहाँ से। तो ये है, ये बहुत ज़्यादा करते हैं और ये कई जगहों पे होता है, हर जगहों पे होता है। बरल चलता है यहाँ पे सारा कुछ। अभी यहाँ पे निकलते हैं। अभी यहाँ पे ना साथ एक टेंपल है, अभी टेंपल हमने विजिट करना है। तो टेंपल विजिट करने के बाद फिर कुछ खाना शाना खाते हैं, लेकिन पहले टेंपल की तरफ चलते हैं। अच्छा, आज ना हमारी किस्मत कुछ ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही। सुबह रेड फोर्ट गए हैं, वो भी बंद था, अभी ये टेंपल भी बंद है। वैसे इस टेंपल में कुछ बहुत ज़्यादा खास देखने वाला नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री से इसको ज़्यादा तलक नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन आर्किटेक्ट की वजह से काफ़ी मशहूर है। लोटस टेंपल है और बहुत फेमस टेंपल है, कालका जी के पास है। और मैं कई बार जा चुका हूँ वहाँ पर, क्योंकि मेरा पुराना ऑफिस जो था वो उसके बगल में ही था, तो मैं अक्सर चला जाया करता था। बड़ा मज़ा आता है वहाँ पर जाने में, बहुत आप चुपचाप जाइए, बैठिए, शांति मिलती है, बैठे रहो अपना, एक आध घंटे अपना गपी आए पे फिर चले आए। तो वहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। तो मुझे लगता है वो उस दिन गए थे जिस दिन बंद ही होता है वहाँ पे। तो हम इसका आर्किटेक्ट भी देखने आए थे, लेकिन हमारी किस्मत नहीं, कोई नहीं, यहाँ से करीब ही आ गए इंडिया गेट। तो यहाँ से अब निकलते हैं इंडिया गेट वाली साइड पे, तो वो एरिया जाके थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। गोरे भी चढ़ चढ़ के देख रहे हैं, आज है ही बंद, तो कोई भी नहीं जा सकता अंदर। मुझे भी मैं इतना बेचारे पता नहीं कहाँ से आए हैं उस टेम्पल को देखने। है तो वैसे ये इंडियन गेट, लेकिन क्योंकि दिल्ली में है, अगर पाकिस्तान वाली साइड पे होता तो पाकिस्तानी गेट होना चाहिए था। इंडिया गेट उन लोगों की याद में बनाया गया था जो अफगान वार में शहीद हुए थे, और वो लोग जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में शहीद हुए थे। मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो कि ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थे, फ्रांस और जर्मनी के खिलाफ लड़ते रहे हैं, और जो लोग उस वार में शहीद हुए थे उनके याद में ये मोनूमेंट बनाया गया। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो मेरे साथ मेरा दोस्त अनिल जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है, इसके दादा परदादा वो भी उस वर्ल्ड वार में शामिल थे, और वो काफ़ी देर हिटलर की कस्टडी में भी रहे हैं। अगर आप इस मोनूमेंट को थोड़ा करीब से देखते हैं ना, तो उसमें बहुत से नाम लिखे हुए हैं, ये उन लोगों के नाम है जो उस वक्त लोग शहीद हुए थे। जो भी लोग शहीद किए हुए थे या किए गए थे उनकी याद के लिए मेमोरियल है इंडिया गेट। इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। अच्छा, अगर आप इंडिया में हैं और आपने लाहौर वाली फीलिंग्स लेनी है, तो दिल्ली इज़ द सिटी। मतलब दिल्ली और लाहौर में आपको बहुत सी सिमिलैरिटीज नज़र आएंगी। मासवाई के दिल्ली में ना आपको जगह जगह गाय नज़र आएगी, क्योंकि गाय का तल्लक डायरेक्टली रिलीजन से है, तो यहाँ के लोग इसे आज़ादी से घूमने देते हैं। टोपी भैया की बहुत अच्छी लग रही थी। भैया ये मिल जाएगा ना, मटन बुर्रा, रुमाली रोटी भी मिल जाएगी। ये क्या चीज़ है? मटन बुर्रा। ये हाफ है? हाँ। ये फिर दें, फिर कुछ और भी ऑर्डर करना है। ये काफ़ी नहीं है, हमें पता नहीं था पोर्शन कितने। सालन से ना सालन में बताते हैं, कोरमा या कढ़ाई फ्राई जैसा देख लो। बल्कि देखो देख लो, ये कुछ चिकन चिकन कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये है जी मटन बुर्रा, और ये है इनकी रुमाली रोटी। पतली सी रोटी है, बहुत पतली, कागज़ की तरह। ये स्पेशलिटी है यहाँ की एक्चुअली। वी अमेजिंग, बहुत मज़े की चीज़ है ये मटन बुर्रा, साथ से चटनी, अमेजिंग। ये चेक करते हैं इनकी कढ़ाई, ये कैसी है? चिकन कढ़ाई थी ना, वो उससे भी बढ़िया। मेरे ना दोस्त हैं अंकुर भाई मुंबई में, वो इस इलाके में पहले रहते हैं, उन्होंने मुझे जगह रिकमेंड की थी। लेकिन मेरे ख्याल से इट्स रियली वर्थ, अगर आप इस एरिया में आ रहे हैं दिल्ली में टूरिज्म के लिए, तो यहाँ से एक खाना तो ज़रूर बनता है। अच्छा, इस होटल का नाम है करीम होटल। इस होटल के बारे में बताया मैंने, ये क्या था कि जो मुग़ल फैमिलीज थे ना, उनके जो बावर्ची थे, उनकी फैमिली में से किसी ने ये होटल शुरू किया था,
और तब से उनकी फैमिली में ये चल रहा है, इसलिए स्पेशल है और खाने भी इनके अमेजिंग है। और ये बिल्कुल यहाँ की है ना जामा मस्जिद, उसके सामने है ये, हमारे सामने जामा मस्जिद है, अब उसी तरफ जा रहे हैं। सिक्योरिटी के यहाँ सख्त इंतजाम है। रश काफ़ी है। जामा मस्जिद का कॉन्सेप्ट है ना, इट्स वेरी सिमिलर टू बादशाही मस्जिद इन लाहौर। मतलब सिटी में एक फोर्ट है, उसके साथ एक शाही मस्जिद बनाई गई है। ये मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाई थी 17वीं सदी में, जब यहाँ पर रेड फोर्ट बनाया गया था दिल्ली में। और इस मस्जिद को बनाने के लिए भी वही स्टोन इस्तेमाल हुआ था, रेड स्टोन, जो रेड फोर्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इन एडिशन मस्जिद में इन्होंने यहाँ पे संगमरमर भी इस्तेमाल किया हुआ है। और जो मस्जिद के ऊपर गुंबद वगैरह बने हुए हैं, ये संगमरमर से बनाए गए हैं। इस मस्जिद के ऊपर 3 गुंबद हैं, उसके साथ 2 काफ़ी ऊंचे ऊंचे मीनार बनाए हुए हैं। आप इस मीनार के ऊपर भी जा सकते हैं, जहाँ से आपको दिल्ली का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा नज़र आता है। ये क्योंकि आज हमारी किस्मत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही, तो इस मीनार का जो टिकट ऑफिस था वो भी हमारे मुँह के बिल्कुल सामने बंद किया गया। उसकी वजह ये थी कि नमाज का टाइम हो गया, नमाज की तैयारी करें या फिर मस्जिद से बाहर चले जाएं। अच्छा, मस्जिद में ना अभी भी 5 टाइम बाद जमात नमाज होती है। अंदर लोग नवाफिल तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने ऐलान किया कि जिसने नमाज नहीं पढ़नी वो मस्जिद के अहाते से बाहर चला जाए। अच्छा भाई, पाकिस्तान के लोगों देख लेना, अजान हुई है, लाउड स्पीकर पे हुई है, दिल्ली का जामा मस्जिद है, भीड़ आपने देख ली, कोई जुल्म नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, अजान भी पढ़ी जाती है, लोग नमाज भी पढ़ने जाते हैं। और ये पाकिस्तान का बंदा वहाँ पर मौजूद था, उसने ये बताया, तो अपना प्रोपेगेंडा आप लोग बंद कीजिए। उसे नमाज पढ़नी है तो मस्जिद के अंदर आ गए, तब नमाज का टाइम हो गया यहाँ पे असर का, अब नमाज शमाज पढ़ते हैं यहाँ, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। अच्छा, लिखा हुआ है कि मस्जिद का जो मेन हॉल है ना, इसके अंदर नहीं जा सकते। बहुत रश है आज यहाँ पे, रात में मुझे नहीं पता कितना रश होता है, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि आज किला बंद है, जो टूरिस्ट टाइम है ना वो सारे इस मस्जिद की तरफ आए हुए हैं। बिल्कुल साथ ही किला, ओल्ड दिल्ली एरिया को मेरे कहते हैं। हाँ, ओल्ड दिल्ली मतलब ये वो दिल्ली है जब शाहजहाँ ने ये सिटी शुरू किया था ना यहाँ पे, तो उस वक्त उसने ओल्ड दिल्ली उसको डिज़ाइन करके वो बिल्ड की थी। तो बाद में दिल्ली ऑफकोर्स एक्सपेंड करती रही है, अब तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये मस्जिद और जो किला है वो दोनों ओल्ड दिल्ली में है। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि अब रिलीजियस स्पॉट कम, लेकिन एज अ टूरिस्ट प्लेस अब ज़्यादा बन गया। एक मेंबर सा बना हुआ है, इसके ऊपर कुछ उर्दू में भी लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है किसी का, चौधरी शान अली खान अनी रईस पंजाब से, डेट्स वगैरह लिखी हुई है। बहरहाल आज का जो वीलॉग था उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हमने ये डिसाइड किया कि एक दिन दिल्ली में और गुजारा जाएगा, क्योंकि आज हम रेड फोर्ट नहीं देख सके। तो अगले वीलॉग में आपको रेड फोर्ट अंदर से दिखाऊंगा और उसकी थोड़ी तफसील बताऊंगा। सो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलो भाई, तो वीडियो आपने देख लिया, और जो उन्होंने बात करी कि शायद दिल्ली को बसाया था या ओल्ड दिल्ली को बसाया था, नहीं, दिल्ली तो बहुत पहले की बसी हुई है। हाँ, एक्सपांड हुई है, अलग अलग शासन काल में एक्सपांड की गई है, जो जिसने राज किया उसने अपने अपने हिसाब से चीज़ें बनवाई। शाहजहाँ ने लाल किला बनवाया, मस्जिद बनवाई, बढ़िया है। लेकिन दिल्ली बहुत पुरानी है, इसका जिक्र महाभारत में मिलता है, इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते थे इसे, इंद्रप्रस्थ इधर वाला इलाका था और उसे हस्तिनापुर कहते थे। तो महाभारत में भी इस सिटी का, इस शहर का जिक्र है, और बहुत पुराना शहर है, बहुत पुराना शहर है। बाद में जब मुग़ल आए तो उन्होंने फिर अपनी अपनी चीज़ें बनाई, अपने अपनी छाप छोड़ी उस पर कि जी हमने भी यहाँ पर राज किया है। और ये है, उसके पहले गुर्जर सम्राट मिहिर भोज और बाकी कई, मतलब कई लोग जो थे वो राज कर चुके थे, इब्राहिम लोधी से लेकर और बहुत सारे लोग।
तो दिल्ली का इतिहास जो है बहुत पुराना है। अगर आप विलियम डेलिम्पर की किताब पढ़ेंगे सिटी ऑफ जिन्स, तो आपको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी और उसमें बड़ा मज़ेदार चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। क्या है बाकी, ब्लॉग बहुत बढ़िया था। और जो सबसे अच्छी मुझे चीज़ ये लगी कि एक पाकिस्तानी आया, उसने देखा इंडिया घूम रहा है, उसको ये फील हो रहा होगा कि जो चीज़ें उसे बताई जाती हैं, जो चीज़ें उसे दिखाई जाती हैं इंडिया में मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के बारे में, हिंदुओं के क्या कहते हैं वो एक उर्दू का शब्द है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, कि हिंदू बड़े आतंकवादी टाइप से लोग होते हैं और बड़े जुल्मी होते हैं, तो इनका भ्रम जो है, प्रोपेगेंडा जो फैलाया जाता है वहाँ पर, वो टूटा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि जो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जब उन्होंने मुस्लिमों से पूछा, तो उन्होंने बहुत अच्छा और समझदारी भरा जवाब दे दिया उनको। देखिए, छोटी मोटी घटनाएं हर जगह होती हैं, तो पाकिस्तान में शिया सुन्नी होती रहती हैं, होती हैं कि नहीं होती हैं, अहमदिया और मुसलमानों में होती हैं कि नहीं होती हैं, तो थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुसलमान यहाँ पर बहुत सेफ हैं, सिक्योर हैं और बहुत प्रॉस्परस हैं, किसी तरह की रोक टोक नहीं है, बराबर के राइट्स हैं। जैसा पाकिस्तान में है ना कि ये राइट्स सिर्फ मुसलमानों के लिए रिजर्व हैं, हिंदुओं के लिए या नॉन मुस्लिम के लिए राइट्स रिजर्व नहीं है वो। लेकिन इंडिया में हमारा संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहता है कि जी कोई भी हो, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी जाति, उसके बेसिक राइट्स बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए अलग राइट है और मुसलमान के लिए अलग राइट है, सिख के लिए अलग राइट है, ईसाई के लिए अलग राइट है, नहीं है। तो ये सबसे बड़ी खूबी है हमारे देश की और इसलिए हम ग्रो कर रहे हैं। और आपका देश रेडिकलाइज हो रहा है, इस बात को समझिए। जितनी जल्दी आप मान लेंगे, उतनी जल्दी आप आईसीयू से बाहर आ जाएंगे, वरना आईसीयू में ना वो जो ग्राफ बनता है, वो ग्राफ धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अपने देश को मरने से बचाइए और कुछ बेहतर इंसान बनिए पहले। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।